नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज मेरे पीछे लगी हुई है यचडी की एडवेंचर। ये एकमात्र ऐसी ऑफ रोडर है जो कहीं भी चढ़ सकती है। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिस टाइप के इसमें लुक्स मिलता है, वो अनबीटेबल है। आपको और भी कोई कंपनी में इस टाइप के नहीं मिलेंगे। अब इंजन स्पेसिफिकेशन और जितने भी इसमें फीचर्स है वो हम लोग जानेंगे जावा के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इरशाद सर से। चलिए वेलकम करते हैं इरशाद सर को। हेलो सर। हेलो। तो आप अपने एक बार अपने बारे में एक बार इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मेरा नाम इरशाद आलम हुआ और मैं जावा एच डी शोरूम डाल्टनगंज बीकेसी राइडर से हूँ। तो अब ये बताइए सर कि इस जावा एच डी जो शोरूम है उसमें एच डी का एडवेंचर आप लेकर आए हुए हैं। जी। आप देख रहे हैं कि किस टाइप के जगह पर इस गाड़ी को खड़ा किया गया है। बहुत ऑफ रोडिंग टाइप का लग रहा है, सीन भी कैसे खड़े हैं हम लोग वो भी दिख रहा है। अब इसमें आप इंजन स्पेसिफिकेशन इसका बताइए कि कितना सीसी का इंजन मिलता है और क्या पावर टॉर्क ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। ये इंजन इसका 334 सीसी का आता है और 30.2 पीएस का पावर ये जनरेट करता है और 29 पीएस एनएम का टॉर्क ही इस गाड़ी में मिलता है आपको। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी बता दीजिए। फ्यूल टैंक इसका 15.5 लीटर का आता है। और माइलेज क्या मिल जाता है? माइलेज इसका 35 अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स आपको एनी हाउ मिलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर कोई ऑफ रोडर बाइक ले लिया तो हर टाइम ऑफ रोडिंग ही करते रहे, वो नॉर्मल हाईवेज पे भी चलेंगे। और इसमें बेस्ट पार्ट आप बता रहे थे कि जैसे कि अगर कहीं भी लेके जाएं तो इसका सॉकर सस्पेंशन बहुत अच्छा है, तो फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन के बारे में बता दीजिए। फ्रंट सस्पेंशन इसका टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन इसको बोलते हैं, जो उसमें गैस कैनिस्टर भी इंस्टॉल्ड है साथ में। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बता दीजिए आप एक बार। इसका कॉन्टिनेंटल का इसमें एबीएस मिलता है आपको, डुअल चैनल एबीएस है। डुअल चैनल एबीएस और बाइब्रे कंपनी का फ्लोटिंग कैलिपर्स आपको ऑफर किया जाता है। और इसमें आजकल के जैसे हम लोग के टाइप के यूथ है तो वो अलॉयज खोजते हैं हर जगह, कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, अलॉयज के बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन इसमें स्पोक व्हील्स ऑफर किए जाते हैं हर एक, आई थिंक जो ऑफ रोडिंग बाइक होते हैं उसमें स्पोक व्हील्स ही ऑफर किए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या थीम रहता है उसको बता दीजिए आप। ऑफ रोडिंग बाइक में अगर स्पोक व्हील मिलता है ना तो हम कहीं भी अगर लेके जा रहे गाड़ी तो फंसता नहीं है गाड़ी, एलॉय व्हील कहीं भी फंस सकता है। रीज़न उसका क्या है? रीज़न ये वेट का पड़ जाता है इसमें। अच्छा, ये स्पोक्स व्हील यानी कि थोड़ा कम हेवी रहता है। जी। और कुछ कुछ जैसे जावा की बाइक से क्रूजर बाइक है, जावा 42 बॉबर, उसमें भी स्पोक्स व्हील ऑफर किया जाता है, तो वो तो रेट्रो लुक भी डिफाइन करता है। जी, रेट्रो लुक भी डिफाइन करता है। वो क्या है ना, पावर थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है उसमें, यानी कि बाइक भगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी बड़ी इंजन है, आप क्लेम करते हैं कि इंजन आपका कभी ख़राब नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेरा लिक्विड कूल इंजन है, जो कि आपको गाड़ी अगर 98 डिग्री सेल्सियस पे जहाँ जाता है वो ऑटोमेटिक इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा, फ़ैन ऑन हो जाएगा, उसके बाद इंजन आपको ठंडा करके 93 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वापस आएगा वो ऑटोमेटिक फ़ैन ऑफ हो जाएगा, जिससे हम लॉन्ग जा सकते हैं इस गाड़ी को लेके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा चलाने में। और ये तो आपको चेंज भी करना पड़ेगा, तो कितने किलोमीटर चलने के बाद चेंज करना? 26,000 किलोमीटर चलने के बाद एक बार इसका चेकअप होगा, अगर आपका कम हुआ तो वो आपको टॉप अप हो जाएगा और ख़राब हुआ तो वो चेंज होगा। ओके, तो यानी कि 26,000 किलोमीटर आप बेझिझक लेके इसको चल सकते हैं, उसके बाद आएंगे तो नॉर्मल चेकअप होगा इस गाड़ी का। आप अगर ऐसा लगता है कंपनी को तो टॉप अप कर दिया जाएगा, नहीं तो वो चेंज कर दिया जाएगा कंपोनेंट को। अब इस बाइक में हम लोग देख रहे हैं कि रेयर में भी काफ़ी ब्रॉड टायर्स दिए गए हैं, तो इसमें ग्रिपिंग जैसा कि आप बोले कि गाड़ी चलाते चलाते अगर आप खड़े होकर भी चला रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा? रीज़न इसका सस्पेंशन है और गाड़ी का जो लुक और डिज़ाइन जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से। हाँ, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा था अभी बाइक आ रही थी तो कहीं भी अप डाउन भी था तो बाइक के केवल टायर्स मूव कर रहे थे, बाइक का बॉडी में कहीं रोल नहीं था। जी। और इस कलर कॉम्बिनेशन, तो कितने कलर कॉम्बिनेशंस में ये अवेलेबल किया जाता है एचडी एडवेंचर, ये आप बता दीजिए। ये दो कलर में ही आता है, एक मैम्बो ब्लैक आता है, ये आपका हो गया सिल्वर, सिल्वर कलर में। और इसमें कॉम्बिनेशन जो ब्लू एंड नेवी ब्लू आई थिंक दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये नीपैड दिया जाता है ताकि लोगों को ग्रिप मिले, अच्छा ग्रिप मिले टैंक पास, और ऑफ रोडिंग में गाड़ी के साथ ग्रिप मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें ये सामने से फ्रंट अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रंट में एलईडी का यूज़ किया गया है। हाँ। तो एलईडी का प्रोजेक्शन कैसा है वो बता दीजिए। एलईडी का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है इसका, और भी जनरली एलईडी हेडलैम्प जो होते हैं उससे ज़्यादा फोकस है इसमें। वो आप लोग दावा देकर बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यही चीज़ बोलते हैं, लेकिन आफ्टर उसके बाद जाने के बाद एक बार नाइट में ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसमें इस देख रहा हूँ कि जो टायर के ऊपर में मडगार्ड दिया जाता है, डबल दिया गया है। जी। इसके पीछे क्या सीन है? ये ऑफ रोडिंग बाइक में ऐसा ही आता है।
यानी कि अगर मट्टी वगैरह लगता है तो वो वहाँ पर कवर हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा ऊपर में कवर हो जाएगा। ओके, और फ्रंट में ये वाइजर वगैरह सब चीज़ ऑफर किया जाता है। अब इतने अच्छे बाइक है, इसमें आपको डिजिटली भी हर एक चीज़ ऑपरेट करने का सिस्टम मिलता है आपको। इसमें तीन मोड्स दिए गए हैं, तीन मोड है इसमें आपको मिल जाता है, ऑफ रोड मोड मिल जाता है, रेन मोड मिल जाता है और रोड मोड मिल जाता है, जिसको ऑन रोड मोड बोल सकते हैं हम। और इसमें साथ साथ में आपको GPS नेविगेशन ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। तो उससे क्या हम लोग को फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा यही होगा, जब हम कहीं जा रहे हैं रास्ता देखा हुआ नहीं है तो GPS कनेक्शन कर लिए अपने फ़ोन से, तो हम ये नेविगेशन बताते रहेगा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हर कुछ। इसमें चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा, यानी कि अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो टाइप सी और टाइप ए जो आईफोन वगैरह का चार्जिंग सॉकेट होता है वो भी आपको अवेलेबल किया जाता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसमें एक चीज़ और मैं सुना, आप बता रहे थे कि इसमें आपको एक GPS मिलता है जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है जी। और कहीं भी हम इस बाइक को अगर लेकर जाते हैं तो मेरे घर वाले भी इसको देख सकते हैं कि बाइक कहाँ कहाँ जा रही है जी। तो इसको कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? ये इसके ऐप आता है जेजी का। ओके, उससे कनेक्ट करना पड़ता है। ये तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ डन हो जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जाके। अगर आप चाहें कि डायरेक्टली कनेक्ट करना तो वो पॉसिबल नहीं है, ये ऑफिशियली जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा उनका नंबर लिया जाएगा, जब तक मेल नहीं जाता है कंपनी की तरफ से तब तक आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ऐसा तो होगा कि कोई भी कनेक्ट कर ले, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। वो कंपनी ही प्रोवाइड करेगी आपको लिंक, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इतनी अच्छी ऑफ रोडर है, इसके कॉम्पिटिटर्स में मेनली हिमालयन है, अभी हिमालयन और भी हैं, तो बहुत बड़े सेगमेंट्स हो गए, यानी कि जिसकी प्राइसिंग 20 लाख-25 लाख तक जाती है, हार्ले डेविडसन एंड ऑल जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसके। तो इसका प्राइसिंग क्या पड़ता है आपके शोरूम में, और कहाँ पर हमें ये आना होगा इसको लेने के लिए, ये आप एक बार बता दीजिए। ये डाल्टनगंज में आपको बाईपास रोड में है, बिजली ऑफिस के सामने, नियर IDBI बैंक। क्या नाम हुआ शोरूम का? शोरूम का नाम हुआ BKC राइडर। और इसके प्राइसिंग के बारे में बता दें, किस प्राइस अगर डाल्टनगंज से आप लेते हैं तो ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का पड़ेगा 2,55,000। और हमारे पास ऐसे भी भाई बंधु रहते हैं जिनको बाइक बाहर चाहिए रहता है, यानी कि जो झारखंड के नहीं है, तो उनके लिए कैसे अवेलेबल किया जाएगा ये बताइए। झारखंड के जो नहीं उनके लिए भी मिल जाएगा गाड़ी, वो अपना जहाँ उनका होम टाउन होगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाड़ी अगर फाइनेंस का फैसिलिटी तो उनके लिए नहीं अवेलेबल हो पाएगा, ऑन कैश तो वो ले जा सकते हैं। ऑन कैश ले जा सकते हैं। हाँ, यानी कि जो यहाँ के लोकल हैं झारखंड के, या फिर पलामू के, गढ़वा, लातेहार जो भी है, तो वो फाइनेंस करा सकते हैं। मिनिमम 15% डाउन पेमेंट करना होगा। यानी कि इसका प्राइस क्या बताएं एक बार फिर से? 2,55,000। 2,55,000 का 15% आप निकाल लीजिए, मिनिमम आपको उतना डाउन पेमेंट करना है, और उसके बाद इस बाइक को ले जा सकते हैं। और EMI अपने अकॉर्डिंग आप बंधा सकते हैं, कितने इयर्स का चाहिए उसके हिसाब से आपका EMI कैलकुलेट होता है, और वो आपको कंप्लीट इरशाद भैया आपको बता देंगे। इनके सारे नंबर्स एंड डिटेल्स नीचे फ्लैश कर रहे होंगे। और इस बाइक को अगर आपको बाहर से भी हैं, झारखंड स्टेट से बाहर से भी अगर आप देख रहे हैं, तो आप यहां से आकर कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि BKC राइडर्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है, ऐसी है जिसमें जो बाइक अवेलेबल बाहर बाहर बड़े बड़े सिटीज में नहीं होते वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और भी जावा से रिलेटेड या EHD से रिलेटेड कोई भी बाइक के बारे में इंक्वायरी लेना होगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें जावा EHD के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इरशाद सर से मिलके। अब इस गाड़ी के बारे में हम लोग फिर से अगेन बात करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि किस जगह पे ये बाइक खड़ी है, मुझे खड़े रहने में दिक्कत है, उस जगह पे ये बाइक आराम से खड़ी है। और इसका सस्पेंशन अगर आप देख ले तो किस टाइप से ये सस्पेंशन इसका वर्क करता है, कितना भी आप झुला लें ये बाइक गिरने वाला नहीं है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक बैलेंस भी कर लेता है। अगर ये बाइक को कोई भी जगह मैं लेकर चल रहा हूँ, कोई इसमें आई डोंट थिंक कि इशू आने वाला है। और इंजन का परफॉर्मेंस का बात करें तो आपको नेक्स्ट फ्रेम में दिखने वाला है कि बाइक पर बैठकर चलने में दिखता कैसा है, और परफॉर्मेंस इसका इंजन का कैसा मिलता है आपको ये भी दिखाएंगे। जैसा मैं बोला कि गाड़ी जब चल रहा है तो इसका जो टायर अप डाउन होता है और बॉडी रोल कोई नहीं रहता है बाइक में, बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपको इस वीडियो में दिखेगा। यही था आज का वीडियो EHD एडवेंचर का। अब नेक्स्ट फ्रेम में आपको मिलेगा इसका रोड प्रेजेंस और राइड कैसा दिखता है। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगले फ्रेम को इन्जॉय करें। जय हिंद।